आप लोग को एक एक्सरसाइज दिए थे ट्राई करने के लिए, आप लोग ट्राई किए हैं? ओके, तो एक काम करते हैं, एक इसको एक लाइन से सॉल्व कर लेते हैं, उससे आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कि कहाँ पे क्या था। केमिकल फर्स्ट क्वेश्चन तो बन गया था ना, एक्सरसाइज 7। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके, मतलब अल्फा का वैल्यू 0.4 है, राइट? एट 400 केल्विन एंड 1 ATM फॉर द गैसियस रिएक्शन, Cl2, एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर ऑफ ऑल द गैसेस, एज्यूमिंग द आइडियल बिहेवियर ऑफ ऑल द गैसेस, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 400 केल्विन एंड 1 एटमोस्फेयर। ओके एवरीवन, एक काम ऑलवेज करना है, अदरवाइज हुआ ना कि कभी कभी एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग थ्योरी इस कंक्लूड नहीं करते हैं, अल्फा का अर्क फर्क हो जाएगा इधर उधर। जैसे आपको एक फार्मूला तो बताए थे ना, Di/D इक्विलिब्रियम इक्वल टू Mi/, करेक्ट है एवरीवन? और Mi/M इक्विलिब्रियम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का क्या था? तो ए सही है, बट इसके अंदर जो अल्फा आएगा वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ रिएक्शन पे, राइट? ये दोनों ऑलवेज रहेगा, करेक्ट ना? तो यहाँ पे हो जाएगा ए अल्फा और ए अल्फा। तो Ni/N इक्विलिब्रियम क्या हो गया भाई? Ni तो था ए, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पूरा गैसेस मिक्सचर कितना हो गया? A(1+α), करेक्ट? इसका मतलब मेरा यहाँ पे Ni/N इक्विलिब्रियम है दिस वन, करेक्ट? तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, Di/D इक्विलिब्रियम इन दोनों को मिलाकर N इक्विलिब्रियम बाई Ni, या तो कोई प्रॉब्लम? Di/D इक्विलिब्रियम इक्वल टू N इक्विलिब्रियम बाई Ni के लिए क्या लिख सकते हैं? आपके साथ वैस 1+α, उल्टा कर देंगे ना, 1+α। तो D इक्विलिब्रियम निकल जाएगा यहाँ से सर, Di/1+α, अल्फा तो दिया हुआ है ही, वन अल्फा का वैल्यू 0.4 है, तो 1 जोड़कर 1.4 हो जाएगा। सर Di बता दीजिएगा तो मेरा काम बन गया। तो Di दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? वेरी गुड, T इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है, Pm इक्वल टू DRT, राइट? T इक्वल टू 0 पे जो प्रेशर डेंसिटी रहेगा उसके लिए तो सिर्फ PCl5 रिस्पॉन्सिबल रहेगा, PCl5 का तो मोलर मास पता ही रहेगा, राइट? तो यहाँ से Di निकल जाएगा Pm/RT, बट यहाँ से जो Di निकलेगा वो ग्राम पर लीटर में निकलता है, पता है कि नहीं आप लोग को? अगर R का प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लेते हैं, R का वैल्यू 0.0821, तो ग्राम पर ml में नहीं निकलता है, ग्राम पर लीटर में निकलता है। प्रेशर कितना दिया हुआ था इनिशियल? 1 ATM। PCl5 का मोलर मास कितना है, निकाल पाएंगे? R का वैल्यू 0.0821,
और टेम्परेचर है 400 केल्विन। तो यहाँ से डेंसिटी निकाल लीजिए, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर किसी का आया है 4.53 ग्राम पर लीटर। वेरी गुड। एक और, अच्छा क्या किए थे बताइए तो। कोई बात नहीं है, तो आप भी सही हैं, वैसे भी कर सकते हैं। टोटल मास बाय वॉल्यूम, करेक्ट। प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम थोड़ा चेंज होगा, राइट। बट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये और भी थोड़ा सा स्मार्टली बन जाएगा, राइट। बट एग्जाम देखिए, एक बार माइंड डेवलप हो जाता है ना, तो आप बस, मेरा पर्पज़ है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बन के आ जाना चाहिए। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि राकेश सर जो पढ़ा है इसी को एकदम याद रखना है। बस द माइंड डेवलप हो गया, ऐसे बना सकते हैं चीज़ों को, ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, राइट। हो गया ना, इसको हटाया जाए। एवरीवन, देखे देखते देखते केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। बस शुरू करने भर देर रहता है, शुरुआत करना बड़ा मुश्किल है, नहीं हिम्मत का किसी चैप्टर को स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के बाद एक रास्ता मिल जाता है टीचर को भी स्टूडेंट को भी, हाँ अब ऐसे से चलना है। क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए मैं अभी बायो के फैकल्टी दोनों मैम को यहाँ पे बुलाया हूँ। आप लोग का प्रॉपर 1 से 2 दिन के अंदर टेस्ट का सिलेबस, अगस्त से भाई बहुत दिन हुआ आप टेस्ट का, स्टार्ट कर देंगे पार्ट टेस्ट नीट का और जेईई मेन का पूरा फुली पैटर्न पे। और जो भी देखा जाएगा, चीटिंग करेगा बच्चा नहीं करेगा तो उसका ऑनेस्टी है, मेरे साथ थोड़ी चीटिंग करेगा, खुद के साथ चीटिंग करेगा तो राइट। शुभांकर आप क्वेश्चन कलेक्ट नहीं करते हैं बायो का, ऑन द स्पॉट बताते हैं। नहीं नहीं पहले पहले दे दीजिएगा, टीचर को भी तो बेचारा लिखना पड़ेगा ना पेपर पे, ये क्वेश्चन डिस्कस करना, राइट, लिखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा उनके लिए भी लाइफ आसान हो जाएगा देने से। अभी आप लोग का अगला 1 साल तक पढ़ने के अलावा बाकी सारा एक्टिविटी लाइफ से हटा दीजिए, यकीन कीजिए ये आपको एक्सेप्शन नहीं है। हम लोग भी तैयारी किए हैं और बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला, इंडिया का या वर्ल्ड का 3rd toughest exam कह सकते हैं या सबसे टफेस्ट एग्जाम कह सकते हैं, उसमें रैंक दिया हूँ। तो उसमें एक्चुअली होता है कि लास्ट में आपका मतलब इतना ऑक्यूपाई उसमें होना पड़ेगा कि उसके अलावा अगर कुछ और एक्टिविटी है मतलब आप उसके साथ ऑनेस्ट नहीं हैं। बाकी लाइफ में सारा काम दोबारा करने का मौका मिलेगा भाई, लेकिन अटेम्प्ट IIT का या नीट का आपको एक ही दोबारा पेरेंट्स भी चांस देंगे, राइट। तो वो चीज़ का अगर मन में ख्वाहिश है डॉक्टर बनने का, तो उसका मैक्सिमम यूज़ कर लीजिए। क्या लगता है आपको, पेरेंट्स 5 बार से पहले वाला ज़माना नहीं रह गया? तो हम लोग अपने पेरेंट्स को बहुत कॉन्फिडेंस लिए थे कि मैं कर सकता हूँ, अब तक हम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं था, पढ़ना ही एक ऑप्शन बचा हुआ था। अब पढ़ते पढ़ते बच्चे इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि जाकर दोबारा घर में खेती भी नहीं कर सकते हैं, किसानी हल जोतना नहीं हो पाएगा, पढ़ते पढ़ते बच्चा सॉफ्ट हो जाता है ना, इसलिए फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि उसी में एक्सेल करना, और ऑब्वियसली हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बन गया है। एट 627 डिग्री सी एंड 1 atmospheric प्रेशर SO3 इज पार्शली डिसोसिएटेड इनटू SO2 एंड O2। इक्वेशन ये दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ओके व्हाट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन फिर भी अच्छा, इसमें किसी को अल्फा का आंसर 0.17 आ गया है क्या, या 0.34 सबका आया है? आंसर क्या इतना ही है?
टी इक्वल टू जीरो पे ए, यहाँ जीरो जीरो, यहाँ से टी इक्वल टू टी क्यू एम पे यहाँ से ए अल्फा लेते हैं, तो ए अल्फा और ए अल्फा बाई टू। एन आई बाई एन इक्वेम कितना? तो सर एन आई बाई एक्वेम ए वाई कितना हो जाएगा? वन प्लस अल्फा बाई टू। तो डी आई बाई डी इक्वेम इक्वल टू क्या था? एन इक्वेम बाई एन आई। तो डी आई बाई डी इक्वेम इक्वल टू वन प्लस अल्फा बाई टू लिख दें, और डी आई निकाल लेंगे आप लोग। डी आई इक्वल टू पी आई एम आई बाई आर टी आई। प्रेशर कितना था? वन। और एस ओ थ्री का मोलर मास जल्दी से बताना है रोशन कुमार, व्हाट इज मोलर मास ऑफ एस ओ थ्री? एट्टी। एट्टी बाई जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन आई एन टू। टेम्परेचर कितना दिया हुआ? 627 प्लस 273। इसका वैल्यू जल्दी से बताना है, 1. एग्जैक्ट बताना है कितना आया है कैलकुलेट करके। बनाते तो कहीं पे तो कैलकुलेट करके रखते होगे बनाने के टाइम पे। इसका कितना वैल्यू आया है? बाकी स्टूडेंट या एक साथ आप लोग कैलकुलेट कर दिए हैं? चलिए मुझे इसका कैलकुलेट करके बताइए तो कितना आता है? नहीं ए मुझे बताइए, ए बताइए। और डी क्यू एम तो दिया हुआ है 1.08। 1.08 उसका मतलब हो गया 1.08 और डिवाइडेड बाय 0.925। 1.0 डिवाइड बाई 0.925 कितना होता है जरा देखिए तो? 1.167 मतलब मोटामोटी 1.17 राइट। तो अल्फा बाई टू इक्वल टू 0.17, देन अल्फा इक्वल टू 0.34 राइट। आप लोग मिस्टेक किए हैं, 0.17 आप लोग का आंसर आया है ना, मैं बताता हूँ मिस्टेक कहाँ कर गया। मिस्टेक तो पता भी चल गया होगा, तो देखिए आंसर में यहाँ यहाँ देखिएगा 0.17 आंसर में उसको कट करके देखिए तो सुधारा हुआ है मेरे नोटबुक में 0.34। तो एक्चुअली हर बैच में मिस्टेक होता है क्योंकि वो PCL5 वाला उनको याद रहता है जल्दीबाजी में राइट। तो तुम्हारा भी मिस्टेक हो गया तो और भी भयानक मिस्टेक है। कहाँ पे कैलकुलेशन करते हो भाई, तो पूरा गड़बड़ कर दोगे। बाकी लोग को समझ में आ गया कि कहाँ पे मिस्टेक हो गया है? इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इक्वेशन लिखना है ऐसे, ठीक है, और एस्टिमेटिव कोएफिशिएंट को ध्यान में रखकर। तो दोबारा देखिए कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। हो गया ना ये क्वेश्चन? आप तो समझ में आ गए ना कि इक्वेशन लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन नॉट बी डिटरमाइन बाई वेपर डेंसिटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन नॉट बी डिटरमाइन बाई वेपर डेंसिटी। तो ये क्वेश्चन शायद हो सकता कि बड़ा अजीब सा लग रहा हो, बट यहाँ देखिए स्टूडेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हम लोग एक काम कर रहे हैं ना, एन आई बाई एन इक्वेम करेक्ट स्टूडेंट, यहाँ देखिए। और एन आई बाई एन इक्वेम के लिए एम इक्वेम बाई एम आई यही कर रहे हैं स्टूडेंट,
और इसी के अंदर तो अल्फा आते रहता है, इसी के अंदर क्या आते रहता है, अल्फा, करेक्ट ना। लेकिन भाई ये रेशियो अगर ऑलवेज वन दिखाते रहे, ये इसमें अल्फा ही गायब हो रहे, अल्फा नज़र ही, इसी के अंदर अल्फा आता है, बातों को समझिएगा। और मॉल एम आई वाई एम इक्वल एम, यहाँ से ही तो वेपर डेंसिटी का रिलेशन पता चलेगा, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बाई टू, अगर किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बोला गया है तो, करेक्ट। तो अगर वेपर डेंसिटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो इसके बदले वेपर डेंसिटी पुट करेंगे। लेकिन अगर वेपर डेंसिटी ऑलवेज आपको कांस्टेंट नज़र आए या मोलर मास ऑलवेज कांस्टेंट नज़र आए, तो क्या वहाँ पे आप वहाँ से अल्फ़ा निकल पाएंगे? इस रिलेशन में अल्फ़ा ही नज़र अगर नहीं आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अल्फ़ा नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। सर वजह मान लेते हैं कि एट एनी टाइम टी, तो भाई जो गैसियस रिएक्शन में, इस गैसियस गैस का बात कर रहे हैं, जिस गैसियस रिएक्शन में डेल्टा एन जी जीरो नज़र आए, उसमें क्या नंबर ऑफ मोल चेंज होगा? और जिसमें नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होगा इस केस के लिए, तो वहाँ पे ए वैल्यू कितना नज़र आएगा? वन, राइट। तो वहाँ पे तो भाई ऑलवेज मोलर मास चाहे इंडिविजुअल हो या मिक्सचर का हो, कांस्टेंट ही रहेगा, करेक्ट। ए भी तो एक ऑब्जेक्टिव बन गया, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इन्विजुअल ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल, मोलर मास, इवन इनिशियल मोलर मास और मोलर मास एट एनी टाइम टी होमोजेनस गैसियस रिएक्शन का कांस्टेंट है, तो जहाँ पे एन कांस्टेंट रहेगा, मास तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ मास लेकर रिएक्शन काम कर शुरू करते हैं, जहाँ पे डेल्टा एन जीरो हो जाएगा वहाँ पे, अगर वो होमोजेनस गैसियस रिएक्शन है तो पूरे मिक्सचर का मोलर मास सेम रहेगा, राइट। वजह नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल ही फिक्स है तो मोलर मास भी तो फिक्स हो जाएगा, चाहे मिक्सचर हो या इंडिविजुअल हो, राइट, इनिशियल हो या किसी भी टाइप का हो। तो एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे वैल्यू वन आ गया, और जब वन है इसका मतलब यहाँ पे अल्फा जो मेरा वेरिएबल था वो नज़र ही नहीं आ रहा है, राइट। तो सर फिर इस केस में, इस नेक्स्ट क्वेश्चन, इस केस में सर निकालेंगे कैसे? बिल्कुल निकालेंगे, इस केस में भी निकालेंगे। तो इन इस टाइप का एग्जाम्पल के लिए ऐसे करेंगे, इस टाइप का एग्जाम्पल के लिए आपको के दिया रहेगा, समझे स्टूडेंट, और के लिए हम लोग जब लिखेंगे तो यहाँ पे एक जैसे कोई रिएक्शन होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ए कन्वर्टेड टू, टू ए कन्वर्टेड टू बी प्लस सी, करेक्ट। तो इस टाइप का एग्जाम्पल के लिए अगर मैं के सी दे दूँ, मान लेते हैं तो टी इक्वल टू जीरो पे ऐसे मान लेंगे ए जीरो जीरो, टी इक्वल टू टी क्यूएम पे ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, करेक्ट एवरी वन। और के लिए क्या लिख देंगे, एक्स बाई टू बाई वी, एक्स बाई टू बाई वी के सी के लिए, और ए माइनस एक्स बाई वी का स्क्वायर, वी तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो के सी इक्वल टू बचेगा कितना, एक्स वाई टू इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या एक्स बाई ए निकाल लीजिएगा, एक्स और ए नहीं, एक्स बाई ए का वैल्यू तो निकल जाएगा ना यहाँ से, एक के सी दिया रहेगा तो, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तभी तो रहेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस केस में आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, यहाँ से काम नहीं चलेगा। तो अब देख लीजिए कौन कौन सा एग्जांपल में डेल्टा एन जी जीरो है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। टू में डेल्टा एन जी जीरो है और फोर में भी डेल्टा एन जी जीरो है, मतलब टू और फोर में वेपर डेंसिटी मतलब मोलर मास के हेल्प से आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि मोलर मास थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहेगा, राइट। इसको हटाए, यहाँ से जो भी सीखे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके समय इस नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैंने बताया, कैसे निकाल सकते हैं।
हो गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बन जाना चाहिए अब एट्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ऑलमोस्ट सेम है। द वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विबियम मिक्सचर, तो वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विबियम मिक्सचर का मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या लिखिएगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाई 2। यहाँ से मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर निकल गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मतलब मिक्सचर, और 2 इंटू कितना 30 ना, मतलब 60। और अभी जस्ट तो निकाले थे इसके लिए, कहाँ पे सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए तो जो स्टूडेंट क्या आया था, एन आई वाई एन इक्विबियम इक्वल टू 1, क्या 1 प्लस अल्फा बाई 2 था क्या, एम आई डी आई था ना इस केस में। ओके तो यहाँ तो मोलर मॉलिक्यूलर वेट से ही काम चल जाएगा। जरा एक बार बोलेंगे आप लोग, एम आई बाई एम इक्विबियम इक्वल टू क्या रहता है, एन इक्विबियम ना, एन इक्विबियम बाई एन आई। अरे एन इक्विबियम के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या ए इंटू 1 प्लस अल्फा बाई 2 लिख दें। आप रिएक्शन को देख लीजिए रफ में, और एम आई कितना 80 ना, और इक्विबियम का कितना 60, 1 प्लस अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा 4/3 ना स्टूडेंट, 4/3 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा बाई 2, देन अल्फा इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1/3 ना, मतलब 2/3। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा डिसोसिएशन 2/3 इंटू 100 66.66 राइट 666 मतलब 66.67 मोटा मोटी, यही तो आंसर होना चाहिए सी, ऑप्शन सी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एट 200 डिग्री पी सी एल 5 ओके, इट वॉज फाउंड दैट इक्विबियम वेपर प्रेशर, इक्विबियम वेपर आर 62 टाइम्स हैवी एज हाइड्रोजन। भाई ये वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी जो आप लिखते हैं एम बाई 2, तो वेपर डेंसिटी है क्या, इट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वन गैस विथ रिस्पेक्ट टू अदर गैस, तो कुछ भी नहीं दिया रहता तो वेपर डेंसिटी एम बाई 2 जब लिखते हैं इसका मतलब है कि ये कितना टाइम्स, अगर एक वैल्यू 10 आया इसका मतलब जो जिस किसी भी गैस का जो वेपर डेंसिटी 10 आया है इसका मतलब ये है कि वो गैस 10 टाइम्स हेवियर है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन राइट। यहाँ पे हेवियर गैस और लाइटर गैस का मतलब उसका डेंसिटी से है करेक्ट ना। अब इसको दोबारा मैं मोल कॉन्सेप्ट में जाकर पढ़ाना स्टार्ट नहीं करूँगा, ये पढ़ाए थे एक साल पहले मोल कॉन्सेप्ट में। यहाँ देखिए इसका मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है मिक्सचर का, तो एम इक्विबियम बाई 2 करके यहाँ से एम इक्विबियम निकल जाएगा हाउ मच 62 इंटू 2, ये है मेरा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर। अब इसमें एम आई बाई एम इक्विबियम इक्वल टू एन इक्विबियम बाई एन आई, भाई एन इक्विबियम यहाँ पर रहेगा 1 प्लस अल्फा। आप थोड़ा सा इस रिएक्शन का रफ वर्क कर लीजिए, देखिए तो मैंने सही लिखा है, अब पी सी एल 5 का मोलर मास कितना है
208.5 और डिवाइडेड बाय कितना 124, 1 प्लस अल्फा। तो क्या यहाँ से अल्फा निकल जाएगा? अल्फा इक्वल टू 208.5 बाई 124 माइनस 1 परसेंटेज 208.5 माइनस 124 डिवाइड बाई 124 इंटू 100, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए और आंसर एक बार मिला लीजिएगा, आंसर आता है कि नहीं आता है। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब रहा कुणाल, थोड़ा देख लो। तो द वेपर डेंसिटी ऑफ अनडिकम्पोज्ड N2O4 इज 46। व्हेन हीटेड वेपर डेंसिटी डिक्रीजेस टू 24.5। द परसेंटेज ऑफ N2O4 रिएक्शन नहीं दिया हुआ लेकिन हीट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद इस तरीके से ही डिसोसिएट होगा। नहीं, N2O4 को अगर हीट करेंगे तो NO2 गैस में डिसोसिएट हो जाएगा। टी इक्वल जीरो पे ए मान लीजिए और यहाँ पे टी इक्वल टू टी इक्वम पे ए माइनस ए अल्फा, तो यहाँ पे 2a अल्फा लिखेंगे तो एन इक्वम कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा ना। तो ni बाई एन इक्वम ये हो जाएगा ए वाई ए इंटू 1 प्लस अल्फा। रिएक्शन लिखने से कॉन्फिडेंस रहता है स्टूडेंट। अब उसके बाद कर ली, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम आई वाई एम इक्रूबियम इक्वल टू एन इक्रूबियम बाई एम इक्रूबियम बाई फोर्टी सिक्स इंटू टू और डिवाइडेड बाई 24.5 इंटू टू, करेक्ट ना। तो अल्फा हो जाएगा कितना? 46 बाई 24.5 माइनस 1, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कितना, कौन सा ऑप्शन आता है? एटी एट। ओके,
ली चटेरी प्रिंसिपल। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट, ली चटेरी प्रिंसिपल पहला तो कि इस पे क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है कि देखते ही इसमें टाइम बचा सकते हैं, टिक लग जाएगा, 5 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन फिर भी व्हाट द मेन सेंस बिहाइंड ली चटेरी प्रिंसिपल, ली चटेरी प्रिंसिपल के पीछे मेन सेंस क्या रहा होगा? तो मुझे लगता है कि ली चटेरी प्रिंसिपल के पीछे मेन सेंस रहा होगा QC एंड KC, करेक्ट। उसी को तो कंपेयर करके करने के लिए ली चटेरी प्रिंसिपल क्या बताता है? ली चटेरी, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे एवरीवन? तो ली चटेरी प्रिंसिपल में मान लेते हैं कि मेरा कोई रिएक्शन मिक्सचर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, और आपको ये बेखूबी पता है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट? तो ऑलरेडी अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है और बाई एनी मीन्स अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिए, तो ड्यू टू दिस डिस्टर्बेंस इक्विलिब्रियम फिर से क्या करेगा, अपने आप को रीएडजस्ट करेगा। अब बिल्कुल ये भैया न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करता है। न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करने के बजाय कि आप एक्सटर्नली जो काम करेंगे वो रिएक्शन को आगे पीछे करके आपको अपोज करेगा। मतलब कुछ आपको ऐसा प्रिंसिपल, फिर एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़ाते हैं लेंज लॉ, कुछ लोग क्रैश कोर्स के बच्चे होंगे उस नाम सुने होंगे, क्योंकि जो भी काम करते हैं उसका उल्टा करंट का फ्लो करके अपोज करता है। तो एक्चुअल में यहाँ भी यही होगा, जो हम लोग काम करेंगे रिएक्शन अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट करेगा कि उस चीज़ को वो अपोज करेगा, करेक्ट। तो पहला पॉइंट लिखे, एक पॉइंट लिखे, तो इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू ए सिस्टम विच इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू ए सिस्टम विच इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, विच इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज अपसेट, देन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज अपसेट। And the net reaction occurs in the direction, and the net reaction proceed in that direction, which minimizes the effect of external stress. Which minimizes the effect of external stress, and finally attained a new equilibrium that minimizes the effect of external stress. Equilibrium point को जिस भी तरीके से आप disturb करेंगे उसी को मैं external, by externally उसी को मैं एक्सटर्नल स्ट्रेस बोल रहा हूँ, ठीक है? एंड दैट मिनिमाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस एंड फाइनली अटेंड ए न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है एवरीवन? लिखिए तो, इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू ए सिस्टम विच इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज अपसेट, कॉमा, नेट रिएक्शन अकर्स इन द डायरेक्शन दैट मिनिमाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस And finally attained a new equilibrium point. ठीक है ना?
चलिए तो देखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि सर एक्सटर्नल जो डिस्टरबेंस रहेगा इक्विबियम को डिस्टर्ब करने का, उसमें क्या क्या हो सकता है, हम लोग सिलेबस में कैसे आ सकता है, इसी को पहले हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि आप क्या करेंगे, किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नली, ये भी एक वजह बन सकता है इक्विबियम पॉइंट इक्विबियम को डिस्टर्ब करने का। मैंने इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला, मैंने कॉन्सेंट्रेशन चेंज बोला, और किसका ये भी नहीं बोला। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो भी रहेगा, हो सकता है कि बाहर से आपने किसी को प्रोडक्ट साइड में जो है बाहर से आपने कुछ एक्सटर्नली ऐड कर दिया, या हो सकता है कि आपने एक बीएम पॉइंट पे उसको किसी भी तरीके से वहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव करने का भी तरीका है, रिमूव करने का भी तरीका है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका एक बीएम मेंटेन है जिसमें सी एल माइनस है, और आप चाहते हैं कि थोड़ा सी एल माइनस हटा दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थोड़ा सी एल माइनस हटाने का तरीका, हो सकता है कि जितना सी एल माइनस हटाना है उतना मैं सिल्वर नाइट्रेट उसमें डाल दूं, ताकि ए जी प्लस उतना सी एल माइनस लेकर बैठ जाए, राइट, ऐसा हो सकता है ना। और जो बॉटम में बैठा हुआ है उसको हम लोग सोल्यूशन का पार्ट नहीं मानेंगे, करेक्ट, तो हम लोग हटा सकते हैं कॉन्सेंट्रेट बाई। तो पहला स्ट्रेस डेवलप करने का तरीका है बाय चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सेकेंड तरीका है, अगर रिएक्शन मेरा गैसियस रिएक्शन है तो बाई इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो सर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्यों मेंशन कर रहे हैं भाई, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अगर मेंशन नहीं करेंगे तो आगे आपको पढ़ाएंगे, वो मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा, कि टेम्परेचर अगर टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट रखते हैं तब तक आपका के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट रह जाएगा, राइट। टेम्परेचर को ही अगर चेंज कर देंगे, मान लेते हैं इसको ऐसे मानिए कि अभी कहीं ना कहीं 6 माइल होगा ना गुवाहाटी में, जानते भी हैं, तो वो 6 माइल मेजर किया हो गया 0 माइल का कहीं जहाँ पर स्टोन है वहाँ से, राइट, जहाँ पर 0 माइल का पत्थर गड़ा हुआ, पक्का गड़ा हुआ होगा। हर जगह पर हम लोग 0 माइल स्टार्ट करते हैं, बड़ा फेमस रहता है 0 माइल। यहाँ पे मेरा 0 माइल है, अब यहाँ से 1st माइल, 2nd माइल, 6th माइल, 7th माइल, 9th माइल, राइट। और ये सिर्फ गुवाहाटी में नहीं है, हर सिटी में रहता है, जैसे पटना में भी 0 माइल है बाईपास में, बड़ा फेमस वो रहता है। तो मान लेते हैं 0 माइल को ही मैं चेंज कर दिया, तो क्या 6 माइल फिर 6 माइल रह पाएगा, तब सर वो कोई और माइल बन जाएगा, राइट। वैसे ही मैं हम लोग केसी क्यू जो डिस्टर्ब करने के बाद जो क्यूसी बनता है उसको केसी को देखकर ही तो आगे पीछे करते हैं, किधर जाना है उसको फिर से उसके बराबर होने के लिए, राइट। अब भाई आप केसी को ही चेंज कर दिया तो सर आपने पॉइंट ऑफ रिफरेंस ही चेंज कर दिया, अब तो पक्का चेंज होना पड़ेगा, राइट। अभी तक क्या होता था, केसी इक्वल टू जो लिखते थे ना इस तरफ को डिस्टर्ब करते थे और क्यूसी बनता रहता था, ये सेम रहता था, तो इसको देखकर ये शिफ्ट करता था, राइट, इसके बराबर होने के लिए। अगर इसी को चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिक फिर से रीएडजस्ट हो जाएगा, इसलिए टेम्परेचर को ही चेंज कर दिया जाए तब तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पक्का चेंज होगा ही होगा, राइट। लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि टेम्परेचर चेंज करने के बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज तभी होगा जब आपका रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक नहीं तो इंडोथर्मिक हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ना ही एक्सो ना ही इंडो रहेगा तो बाद में प्रूफ कर देंगे न्यूमेरिकल फार्मूला से, तब उस केस में भी केस इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज नहीं होता है। एनीवे, इसलिए बाय इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो सर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों है, प्रेशर और को इंक्रीज और डिक्रीज करने का बात कर रहे हैं एक्सटर्नली, इसका मतलब है कि प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम को डिक्रीज कर देंगे, या यही हो सकता है ना, फिर ऑल ऑफ सडन काम करना है डिस्टर्बेंस, राइट। अब प्रेशर को डिक्रीज कर दिए, सॉरी इंक्रीज प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो इन वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे, ये दोनों कंडीशन में क्या मान के चलेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट, करेक्ट। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, एक और तरीका है बाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, करेक्ट।
अब यहाँ देखिए, बाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में दो केस, ये आपका सिलेबस का पार्ट है, एट कॉन्स्ट पी एंड टी कॉन्स्टेंट। पहला कंडीशन क्या रहेगा, प्रेशर, और ये बहुत फेवरेट पार्ट है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया है। एक रहेगा बाय कीपिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, तो भाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट करके गैस को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब आपका कंटेनर रिजिड वॉल्यूम, रिजिड कंटेनर नहीं रहेगा। और दूसरा कंडीशन रहेगा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, समझ गए। तो एक तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का तरीका ये रहेगा, और एक लास्ट तरीका बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, समझ गए स्टूडेंट। इन सब को बस इतना ही सही, कहीं से कहीं क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, समझ गए। और नीट का तो क्वेश्चन देखा हूं, बच्चा टाइप तो आता है लिचेटर प्रिंसिपल पे, एक बार पढ़ने का तो देखते ही बन जाएगा, हो गया ना। इसे सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट यही रहेगा, बाकी एज इट इज है। इसको हटाएं, फर्स्ट लिखिएगा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसको समझने के लिए एक काम करते हैं एवरीवन, कि एक एग्जांपल देते हैं, लाइक ए कन्वर्टेड इनटू बी प्लस सी, समझ गए ना। और समझाने के लिए मान लेते हैं कि मेरा पूरा ये मिक्सचर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, समझ गए ना एवरीवन। और के सी इक्वल टू बी ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट का ही कॉन्सेंट्रेशन था। अब इसमें मैं एक केस बनाता हूँ, इफ बी इज एडेड एक्सटर्नली, तो अगर B को एक्सटर्नली ऐड करते हैं तो ऑल ऑफ सडन अगर आपको, आपने B को ऐड कर दिया और टेम्परेचर कांस्टेंट किए हुए हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ए टर्म तो बड़ा हो गया, नहीं लगता कि क्यू सी ग्रेटर देन के सी हो गया इस केस के लिए। और जब क्यू सी भाई ग्रेटर देन के सी हो गया तो आपने आपको, आपने B को ऐड किया, इसका उल्टा क्या रहेगा, B को कम करना। B को बढ़ाया तो इसका उल्टा तो नीचे थर्ड लॉ में तो ही रहेगा ना, B को घटाना, लेकिन वो घटाने का प्रोसेस रहेगा बाय एडजस्टिंग द रिएक्शन, बाय एडजस्टिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो एक्चुअल में, लेकिन उसके पीछे मेन सेंस उनका दिमाग में ये चल रहा था, ठीक है, कोई पीछे बढ़ते मेन सेंस बिहाइंड लिचेटर प्रिंसिपल, तो बोलना है कंपेरिजन ऑफ क्यू सी एंड के सी, इज इट राइट, या क्यू पी एंड के पी, करेक्ट ना। ऐसा तो होगा ना कि किसी दिन रात में सोए एकदम सुबह उठ के एक लॉ बना दिए, कुछ ना कुछ उस पर थिंकिंग चल रहा होगा पहले से। तो भाई इसमें किधर से किधर जाएगा, राइट से लेफ्ट जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि जिसको ऐड किए रिएक्शन उसके तरफ आया या इससे, उससे दूर गया, इस केस के लिए उससे दूर गया, ठीक है। इसका मतलब मेरे तरफ से आपका लाइफ आसान कर, लेकिन पीछे कहानी इसका था, नहीं कहानी था इसका, बट यहाँ पे फास्ट होने के लिए आज के बाद जिसको आप ऐड करते हैं उससे रिएक्शन दूर जाएगा,
रिएक्शन प्रोसीड अवे फ्रॉम द एडेड कंपोनेंट। मतलब ये शॉर्टकट हो गया, फेल नहीं करेगा रिएक्शन, ऑलवेज नया इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करने के लिए एडेड कंपोनेंट से दूर जाएगा, राइट। ये है मेन थीम। अब सेकंड पॉइंट, मान लेते हैं कि आपने बी को अगर रिमूव किया होता ऑल ऑफ सडन, इसी से समझ लेते हैं, तो बी को जैसे ही रिमूव करते तो क्यूसी लेस देन केसी हो जाता, नहीं। बी को भाई रिमूव करते थे, न्यूमरेटर यहां देखना है, एक कम हो जाता, करेक्ट। तो फिर रिएक्शन प्रोसीड किधर होता, नया एक बीएम पॉइंट को चिप करने के लिए लेफ्ट राइट। तो जिसको ऐड किए हैं उसको उसका उल्टा क्या होगा, जिसको आपने रिमूव कर दिया, कम कर दिया, उसको ज़्यादा कर किया जाएगा। ये काम कौन करेगा, रिएक्शन अपने आप को प्रोसीड करके, राइट। इसका मतलब है यहाँ पे हुआ कि जिसको रिमूव करेंगे, कंक्लूजन मेन थीम क्या रहेगा, रिएक्शन प्रोसीड इन विच डायरेक्शन फॉर अचीविंग द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, प्रोसीड इन द डायरेक्शन, प्रोसीड टुवार्ड्स रिमूव्ड कंपोनेंट, राइट। जिसको रिमूव करेंगे रिएक्शन उसके तरफ जाएगा, एग्जाम में फास्ट होने के लिए लिख लीजिए। अब ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है सब, एन टू प्लस थ्री एच टू आर कन्वर्टेड टू एन एच थ्री। आप आंसर बस देते रहिएगा, एन एच थ्री एडेड रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा, बैकवर्ड। एन टू एडेड किधर प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड। एस टू रिमूव्ड, ऐसा क्वेश्चन आगे तो बन जाएगा। चलिए तो यही तो था कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट, हो जाएगा ना। अब लिखिए, एक मिनट, एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। किधर प्रोसीड करेगा, कैल्स जल्दी से बोलिए, वेरी गुड। इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज ही नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट विल नॉट चेंज। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मुझे बताने का रिक्वायरमेंट है, बोर्ड देखिए तो वीडियो सही से नजर आ रहा है सबको, यस। तो ऐसे ही तो एग्जाम में भी होगा भैया, कि बनाते बनाते बीच में ऐसा आ जाएगा। इतना हम लोग पहले में रात थोड़ा दिन के लिए, हालांकि अभी तो बिल्कुल भी नहीं, एक होता ना वीडियो गेम में कार रेसिंग वाला, हालांकि बिल्कुल मत खेलिएगा। कल ही मेरे पास, कल नहीं तो 5-6 दिन हो गया, नाम नहीं लूँगा नहीं तो फिर खराबत हो जाएगा। 11th क्लास के एक स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए, लिटरली रो रहे थे, लिटरली। बच्चा को बड़ा अजीब सा हैबिट हो गया पबजी खेलने का, जानते हैं ना, मुझे पबजी खेलने वाला बच्चा मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मतलब मेंटल सिक हो जाता है, नहीं।
और उससे भी इंटरेस्टिंग बात है कुणाल, पिछले साल कहाँ कब हुआ था, 2-3 साल पहले जो एग्जाम जेई मेन का एग्ज़ाम देने गया था बोरझार में, और वो बिल्डिंग के छत पे जाके पबजी खेलते रहा, तब तक एग्ज़ाम का टाइम पार हो गया, पता नहीं चला कि एग्ज़ाम कब था। आया था सबसे पहले सुबह में, ये रियल घटना बता रहा हूँ, आया था सबसे पहले रियल झूठ थोड़े बोलेंगे, बाहर कर गुवाहाटी के टाउन के नहीं, वो आउट ऑफ गुवाहाटी मतलब कहीं से आया था, जिसका सेंटर पड़ा था यहाँ पे, सुबह सुबह ही आ गया था गाड़ी ठीक करके। बाद में निकला तो सब पता ही नहीं चला कि एग्ज़ाम कब शुरू हुआ था, कब ख़त्म हो गया। अब पेरेंट्स वहीं पे पीटने लगे, अब पीटने से क्या फ़ायदा होगा। तो उसका ये नेगेटिव इफेक्ट फ़ोन का ये भी तो है, बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है भाई। इसमें कोई आप नहीं कि एक स्टूडेंट ही, हम लोग भी इसका एडिक्शन में है, ऐसा नहीं है। मैं अभी नहीं कि मैं गेम खेलता हूँ, मैं हर दिन सोचता हूँ कि सुबह उठूँगा, क्लास लेते थे आप जानते हैं 10, 10:30, 11 बज जाता है, 10 बजे क्लास से निकलता हूँ, खाना पीना खाते खाते 11 बज जाता है, और उसके बाद खाना खाने के बाद फिर आज के डेट में हर दिन एक ड्यूटी मिल गया है। बच्चा बोलता है कि एक स्टोरी सुनाइए तभी सोएंगे, तो स्टोरी कितना दिन मोटू पतलू को रोल को प्ले करते रहे हैं, इधर का सारा मोटू पतलू का कहानी ख़त्म हो गया मेरे पास। अब तब उसका एक नया स्टोरी चल रहा है कान्हा जी का, कृष्ण भगवान का, तो उसको वीडियो में बड़ा लिमिटेड रहता है, दिखाते दिखाते 12। अब दिन भर काम के थोड़ा सा मन करता है चलो यूट्यूब पे थोड़ा किसी चीज़ का इंटरटेनमेंट या कुछ गाना ही सुन लेते हैं, देखते हैं, तो सोचते कि 10 मिनट देखूँगा, हाफ एन आवर 45 मिनट्स कब हो जाता पता ही नहीं चलता है। और वो डेली मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ कि नहीं आप नहीं देखूँगा, मतलब देखना ही नहीं है, कैटलिस्ट का वीडियो सिर्फ अपलोड करके सो जाना है, तो वो एक्चुअली होता है, लेकिन वो बहुत नहीं है, वो एक्चुअल में मेंटल खुराक भी चाहिए, बट उतना नहीं कि ओवर हो जाए। हाफ एन आवर, 20 मिनट्स, 1 आवर इंटरटेनमेंट भी चाहिए, बिना इंटरटेनमेंट का तो माइंड इतना ऑक्यूपाइड हो जाएगा कि नया चीज़ पर थिंकिंग नहीं हो पाएगा, बिल्कुल इंटरटेनमेंट चाहिए, बट उसको वहाँ एक लिमिट तक ही। एनीवे, तो भाई यहाँ पे कहने का सेंस ये था कि एक कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, क्या केसी के एक्सप्रेशन में था? केसी के एक्सप्रेशन तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 था ना, या केपी के एक्सप्रेशन प्रेशर ऑफ CO2, राइट? तो जो केसी के एक्सप्रेशन में है ही नहीं, उसको थोड़ा सा यहाँ अक्सर नहीं सर कंप्लीटली यहाँ से हटा लेंगे, इसको कंप्लीटली हटा लीजिएगा तो ऑब्वियसली प्रोसीड करेगा, बट सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हटाने से क्या इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखिए, इसका मतलब यहाँ से क्या सीखे, यहाँ से हम लोग ने सीखा कि एक्चुअल में सॉलिड सब्सटेंसेज अगर है तो सॉलिड सब्सटेंस को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सम अमाउंट अगर रिमूव करते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट विल नॉट चेंज। लिखिए, द अमाउंट ऑफ प्योर सॉलिड हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजिशन। The amount of pure solid has no effect on the equilibrium position. अब हेडिंग दीजिएगा, effect of pressure and volume at constant temperature. Effect of pressure and volume at constant temperature. Effect of pressure and volume at constant temperature. तो प्रेशर और वॉल्यूम का बात तभी करेंगे ना जब वहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट गैसेस फॉर्म में रहेगा, राइट? एंड टेम्परेचर को फिक्स कर देना है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको समझाने के लिए केस फर्स्ट ये लेते हैं। अब मान लेते हैं चीज़ों को समझिएगा स्टूडेंट, टोटल प्रेशर इज पी नॉट, राइट? आर 2A कन्वर्टेड इंटू
बी अब प्लस सी और टी इक्वल टू टी इक्वियम पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टी इक्वल टू टी इक्वियम पे, मान लेते हैं टी इक्वल जीरो से यहाँ स्टार्ट करते हैं, इसका ए था इसका जीरो जीरो था और टी इक्वल टू टी इक्वियम पे यहाँ से ए माइनस एक्स, तो इसका कितना बनेगा एक्स एंड एक्स, तो भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ या इवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का ही बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना रहेगा एक्स बाई भी, करेक्ट ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कितना रहेगा एक्स बाई भी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना रहेगा सर ए माइनस यस ए माइनस एक्स बाई भी, करेक्ट। तो अब के सी लिखिए, तो के सी जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाँ सॉरी x बाई टू होगा एवरी वन, एक्स बाई टू, तो x बाई टू एक्स बाई टू मतलब x बाई टू भी और यहाँ पे भी x बाई टू भी, तो के सी लिखेंगे तो आप लिखेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c और डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है ना। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना रहेगा एक्स बाई टू भी, एक्स बाई टू भी और डिवाइड बाई ए माइनस एक्स बाई वी का स्क्वायर, कट कुट के क्या वी कैंसिल हो जाएगा, भाई आपका केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है क्या, और अनिल तक ऐसा थ्योरी में पढ़ाया था कुछ एग्जांपल लेकर, यहाँ बताए थे कि वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो थ्योरी तो मैं पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं इस केस में इन द एक्सप्रेशन ऑफ के सी, और इस केस में मैं जानबूझ के ऐसा एक्सप्रेशन लिया जिसमें डेल्टा एन जी जीरो है, राइट। इसका मतलब इन केस ऑफ होमोजेनस गैसियस रिएक्शन, इन केस ऑफ होमोजेनस गैसियस रिएक्शन स्पेशली जहाँ पे डेल्टा एन जी जीरो रहेगा वहाँ पे वॉल्यूम को ऑल ऑफ सडन आपने वॉल्यूम को कम कर ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया, केसी पे क्या इफेक्ट आएगा सर, इंडिविजुअली इफेक्ट आएगा पार्शियल प्रेशर पे, बट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। इसका मतलब आपका इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन भाई चेंज होगा, इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा बट इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज नहीं होने का मतलब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस जितना है उतना ही रहेगा, इज इट राइट। और अगर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहा है ऑल द टाइम सेम है इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, करेक्ट एवरीवन। तो ए था इसका मतलब, यहाँ से आप क्या थ्योरी समझे, पहला केस में मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के पहला थ्योरी बनाया कि डेल्टा एन जी अगर जीरो रहेगा और अगर मेरा रिएक्शन होमोजेनस गैसियस रिएक्शन है देन व्हाट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, नो इफेक्ट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। तो इसमें कंक्लूड कर लेते हैं, इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो फॉर होमोजेनस गैसियस रिएक्शन, इफ डेल्टा एन जी इज जीरो फॉर होमोजेनस गैसियस रिएक्शन then there is no effect, then there is no effect of change of volume or pressure at constant temperature, then there is no effect of change of volume or pressure at constant temperature एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। वॉल्यूम और प्रेशर
दोनों से किसी को भी चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे दोनों काम साथ हो रहा है ना स्टूडेंट। वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया मतलब प्रेशर कम कर दिया, करेक्ट। आप एक्सटर्नली कोई काम करना चाह रहे हैं राइट, विदाउट एडिंग एनीथिंग, तो वॉल्यूम ज़्यादा कीजिएगा तो ऑटोमेटिक प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर को भी साइड कर दिया, करेक्ट। चलिए एवरीवन, इसमें सेकंड केस लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को लेकर समझते हैं, बढ़िया रहेगा। ये बहुत फेमस एग्जांपल है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, करेक्ट ना। और यहाँ पे डेल्टा एनजी नॉट इक्वल टू जीरो है, करेक्ट। और टी इक्वल टू जीरो पे ए था ए जीरो जीरो, और टी इक्वल टू टी क्यूबियम पे यहाँ से अगर एक्स तो यहाँ पे कितना बनेगा एक्स एंड एक्स। अब मान लेते हैं कि वी आर ऑलरेडी एट इक्वियम पॉइंट, इस पॉइंट पे इक्वियम पे है, और टोटल प्रेशर पी नॉट है, अब वॉल्यूम था वी नॉट, करेक्ट एवरीवन। प्रेशर इज पी नॉट एंड वॉल्यूम इज वी नॉट, मान लेते हैं। तो क्या लिखें, केपी लिखें या कैसे लिखें, किससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केपी ही लिख लेते हैं। तो केपी के लिए क्या लिखेगा एवरीवन, सर प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 और डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, इतना लिख सकते हैं। और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 के लिए कितना लिख सकते हैं, एक्स वाई ए प्लस एक्स, एक्स वाई ए प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, कितना हो जाएगा एवरीवन, सर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको अल्फा में भी एक्स के बदले ए अल्फा डाल देंगे तो अल्फा भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना एवरीवन। अब चलिए, वी आर ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऑल ऑफ सडन आप क्या करते हैं, वॉल्यूम को कम करते हैं, तो वॉल्यूम को कम कीजिएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा, टोटल प्रेशर। और जैसे ही ए इवेंट आप करते हैं तो आपका राइट हैंड टर्म का टर्म क्वांटिटी बढ़ गया, करेक्ट, क्योंकि टोटल प्रेशर ऊपर में आया है, न्यूमरेटर में है। तो इस केस के लिए क्यूपी ग्रेटर देन केपी हो गया, और क्यूपी ग्रेटर देन केपी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, बैकवर्ड मतलब राइट से लेफ्ट। अब देखिए, इसी को ली चेटेरी प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि प्रेस, ध्यान, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ली चेटेरी प्रिंसिपल बताया गया है, वो उन्होंने क्या किया कि बहुत बढ़िया एक रेफरेंस दे दिया ऐसे कि प्रेशर को अगर कम ज़्यादा कर देते हैं, इसको कम करने का तरीका क्या है कि मोल को कम कर दीजिए, राइट, गैसेस मोल को, तो ऑटोमेटिक फिर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो एक्चुअल में ये इसके साथ सही बैठ गया, प्रेशर अगर ज़्यादा कर दिए तो मुझे रिएक्शन भी देख रहा है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस का कोफिशियंट कम है,
यहाँ पे अगर इसका एक मोल खत्म होगा तो दो मोल खत्म होकर इसका एक मोल बनेगा, तो किस डायरेक्शन में जाने से आपको नंबर ऑफ गैसियस मोल कम मिलेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्चुअली मेन थीम ये चल रहा था, बट उसी को क्या बताया गया कि अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं देन रिएक्शन प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन इन विच वी गेट लेसर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, करेक्ट? और अगर प्रेशर को डिक्रीज करते तो क्या होता, क्यूपी लेस देन केपी हो जाता, तब किस डायरेक्शन में जाता? अगर प्रेशर को वॉल्यूम को इंक्रीज करके प्रेशर को डिक्रीज करते तो क्यूपी लेस देन केसी हो जाता ऑल ऑफ सडन, और तब रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब फॉरवर्ड। इसका मतलब प्रेशर को डिक्रीज कर दिए तो प्रेशर को इंक्रीज करने का तरीका है कि मोल बढ़ा दीजिए एडजस्ट करने का, और मोल बढ़ाने के लिए किधर जाना पड़ेगा? रिएक्शन प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन इन विच वी गेट मोर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, इज इट राइट? तो दिमाग में चल रहा था सब कुछ क्यूपी और केपी, बट उसी को आप लोग का लाइफ आसान करने के लिए अलग तरीके से बोल दिया गया, करेक्ट? तो अब जब मैं कंक्लूजन दूंगा उसका कंक्लूजन के पीछे का मेन सेंस ये था। समझ में आ गया एवरीवन? ऑल ऑफ सडन क्या है ना, ऑल ऑफ सडन वो तो अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, बट ऑल ऑफ सडन काम कर दिया गया। तो ऑल ऑफ सडन करने के लिए क्या करेगा, वॉल्यूम और प्रेशर का काम हो चुका, ऑल ऑफ सडन मैंने पिस्टन को ऊपर कर दिया, पिस्टन को ऊपर करके वहाँ पे ही पकड़े हुए हैं। मैं क्या किया भाई, मैं एक काम किया, यहाँ पे पिस्टन था इस पॉइंट पे मार्क किए थे, अब पिस्टन को यहाँ पे लाके यहाँ पे फिक्स कर दिए, ऑल ऑफ सडन मैंने यहाँ से यहाँ लाकर पकड़े हुआ हूँ, अतब ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट भी है। रिएक्शन प्रोसीड किस डायरेक्शन में करेगा वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। मान लीजिए, अब मान लीजिए कि मेरे पास दिव्य दृष्टि हो, संजय वाला, महाभारत का संजय वाला, कि मैं उसे मॉलिक्यूल से अगर नज़र आ रहा है तो किधर जा सकता था? तो ऑब्वियसली देखते हम लोग ऑब्जर्व करते, इसलिए यहाँ पे ऐसे पिस्टन को किसी पॉइंट पे जाकर ऑल ऑफ सडन आपने जो चेंज किया वहाँ पे फिर उस चेंज को आप चेंज करके रोके हुए हैं, और तब सारा प्रोसेस को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, करेक्ट? समझ गए एवरीवन? कंक्लूजन लिखिए, इसको हटाएं पूरा जो लिखा हुआ है। इसका मतलब है इफ डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू जीरो, इफ डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू जीरो देन इफ प्रेशर इंक्रीजेज एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, ये दोनों को क्या एक साथ बोल सकते हैं? इफ प्रेशर इंक्रीजेज एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम देन रिएक्शन प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन इन विच वी गेट क्या, मोर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंस। तो मोर और लेस कहां से पकड़िएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम से, राइट? यहाँ तो लिख लीजिए, हो गया ना? नेक्स्ट
इसी का उल्टा क्या रहेगा? इफ प्रेशर डिक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम देन रिएक्शन प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन इन विच वी गेट मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस, समझ गए? बताइए एवरीवन, प्रेशर इंक्रीज करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? मुझे लगता है लेफ्ट से राइट जाना चाहिए, फॉरवर्ड राइट। अब प्रेशर डिक्रीज कर दिया एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, तब किधर जाएगा? बैकवर्ड। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आएगा नीट वाले बच्चे क्रैश कोर्स के, बन जाएगा? ठीक है। एच टू गैस प्लस आई टू गैस कन्वर्टेड इनटू टू एच आई गैस, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन किधर जाएगा? सर इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज नहीं होगा, नो इफेक्ट, करेक्ट? नो इफेक्ट। तो कुछ भाई क्वेश्चन ऐसा रहता ना, किसी भी सैंपल पेपर उठा लीजिए, 90 का क्वेश्चन का सैंपल पेपर है भाई, 40 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो बिल्कुल बनने वाला रहता है और सबसे बनता है। अब 40 क्वेश्चन भी अगर आप सही से अगर इजी क्वेश्चन सुनकर, मतलब करियर बनाने के लिए, करियर बनने के लिए, मतलब इंजीनियर आप अच्छे NIT से बनने के लिए, आपका उतना क्वेश्चन उसमें रहता है आसान वाला, अब उसको आपको ढूंढना है, मतलब बहुत फास्टली पढ़ करके अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन में भी अगर मार्क आ गए तब तो सिलेक्शन नहीं होगा, और खुद ना क्या टाइम बचाया, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ से तो टाइम ऐसे ही बच जाएगा। प्योर इनऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा टाइम उसी में बचता है, याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो क्या उपाय है? कैल्शियम कार्बाइड में एसिटिलीन गैस निकलेगा नहीं निकलेगा उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाते रहिएगा, याद है तो आगे बढ़िएगा, राइट? अब सिलिकॉन कार्बाइड के लैटिस स्ट्रक्चर में क्या स्ट्रक्चर रहता है, वो याद है तो बनेगा, नहीं तो छूट जाएगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फ्रॉम माई साइड, आज के इतना है।